नमस्कार, मैं दिव्यांजलि मोइत्रा। राजस्थान में सीएम और डिप्टी सीएम के आपसी मतभेद से शुरू हुई बहस अभी तक थमी नहीं। मध्य प्रदेश से राजस्थान की तस्वीर अलग इसलिए है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट ने बीजेपी का दामन थामा नहीं, बल्कि गहलोत की गतिविधियों के खिलाफ पार्टी में रहकर ही आवाज उठा रहे। इस कहानी में रोज एक नया मोड़ आ रहा है। अब तो ऑडियो टेप भी सामने आने के दावे किए जा रहे हैं और फिर सचिन पायलट अपने खिलाफ जारी नोटिस को लेकर हाईकोर्ट भी पहुंच गए। लेकिन गहलोत अब सचिन पायलट को वापस लाना चाहते हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में गहलोत ने सचिन पायलट को लेकर काफी भावनात्मक बातें की। उन्होंने कहा कि वो कभी भी सचिन पायलट के खिलाफ नहीं रहे। राहुल गांधी भी जानते हैं कि जब कभी भी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, मैंने हमेशा युवाओं की पैरवी की। सीनियर जूनियर का माहौल बनाना ठीक नहीं। गहलोत कहते हैं कि जब मैं सांसद बना था तो पायलट मात्र 3 साल के थे। हमारा उनके घर आना जाना था। वापस आएंगे तो सबसे पहले मैं उनको प्यार से गले लगाऊंगा। मेरा उनके प्रति बहुत स्नेह है। राजनीति तो राजनीति है। जिस परिवार के साथ व्यक्तिगत संबंध 40 साल से हो, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट के साथ अपने इतने अच्छे संबंध बताने वाले गहलोत सचिन के बारे में कह चुके हैं कि सचिन पायलट बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन इनके साथ कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने नई पार्टी बनाने की सोची और चाहा कि राजस्थान में कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। इन्हें लगा कि बीजेपी से मिलकर सरकारें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। अब सचिन को लेकर दोनों तरह की बातें कर चुके अशोक गहलोत के असल में मन में क्या चल रहा है, उस बारे में अभी कुछ भी कह पाना मुमकिन नहीं होगा। क्या सचिन के साथ और 18 विधायकों के जाने से अशोक गहलोत को सरकार गिर जाने का डर सता रहा है, या फिर उन्हें अपनी क्षमता से राजस्थान में सरकार को बनाए रखने का पक्का यकीन है। राजस्थान की पल पल बदल रही राजनीति में कुछ भी हो सकता है।